हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 17। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का क्रैश को शुरू किया हुआ है, और जिसमें अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि PYQ हम कर चुके हैं, तो कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे इनको बहुत अच्छे से करना। 21 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 4-bit कॉम्बिनेशन ऑफ इनवैलिड इन BCD। ये चार ऑप्शन है आपके सामने और बोला है कि इसमें से कौन सा इनवैलिड BCD है ना। देखो, BCD जो होता है वो आपका 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको समझाने के लिए कि जैसे 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये जो लास्ट में मैंने लिखा है दैट इज, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है क्या है, 10, जो कि आपका इनवैलिड हो जाएगा बीसीडी में। अगर आपको बोले कि जो है 10 लिखो तो आप 1010 नहीं लिख सकते, क्योंकि बीसीडी जो है वो आप 0 से 9 तक लेते हो। अगर आप जो है 11 12 अगर लिखने लग जाओ तो वो फिर आपको जो है पेयर में करना पड़ेगा। कैसे? तो यानी कि बीसीडी जो है 0 टू 9 ये वाले नंबर आप यूज करोगे। जैसा कि मैं अगर बोलो अगर आपको 10 लिखना है तो 10 अगर आपको लिखना है तो 1010 नहीं लिख सकते बीसीडी में। बीसीडी में इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है। 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 को कैसे करते हैं? 4 टाइम 0। और 1 को कैसे करते हैं? 3 0 और 1। ये है बीसीडी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे आपको 10 करना है, 11 करना है, 12 करना है, 13, 14, जो भी आपको करना है वो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे देखो इनवैलिड 00 ये 2 बना रहा है, ये 5 बना रहा है, ये आपका 6 है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ये आपका क्या है 12। और अगर मुझे 12 लिखना है बीसीडी में तो 12 को हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? 0010। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो ये है आपकी बीसीडी की रिप्रेजेंटेशन। इसलिए जो है डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया? आगे देखो 22 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल बुलियन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे से देखना। दैट कैन बी डिफाइंड फॉर एन बुलियन वेरिएबल्स, एन बुलियन वेरिएबल्स हैं, एन वैल्यूड है बुलियन अलजेब्रा, तो आपका क्या होगा? 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल में कितना हो जाएगा? 2n की कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। या अगर 2 वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा? 4 की, 3 है तो 8, 4 है तो 16, 2 की पावर में हो जाएगा। इसी तरीके से होता है। ठीक है, ऑल दिस कॉम्बिनेशन कैन आइदर टेक 0 और 1। हर एक कॉम्बिनेशन या तो 0 लेगा या 1 लेगा। ये ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट आंसर दे रखा है। किस टाइप का आ जाए? तो 2n पॉसिबल। ये 2n ऐसे नहीं होगा, ये 2 की पावर n होगा। ठीक है, तो बुलियन फंक्शन जो है 2 की पावर n, इस तरीके से ये आपके बुलियन फंक्शन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है डिजिटल का क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है कि ये आपको बाइनरी में दे रखा है और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम अंदर क्या करेंगे? इसकी 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है भाई? ठीक है, तो जहां जहां वाले उनको ऐड कर दो, 64 और 32 कितना हो जाएगा? 96 और 8 कितना हो जाएगा? 104। और 4 कितना हो जाएगा? 108। और 2, 1 ये कितना हो जाएगा? 109। ठीक है, तो 109 ये डी ऑप्शन तो आपका कट गया। ठीक है, तो यहां से तो आपको 109 निकल के आ गया, बचा आपका पीछे वाला। अब पीछे वाले को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 2 की पावर माइनस 1, 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 जमा में 0 इंटू 2 की पावर माइनस 2 जमा में 1 इंटू 2 की पावर माइनस 3 जमा में 1 इंटू 2 की पावर माइनस 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 1/8 और यहाँ से मिलेगा 1/16। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाई जो है 16 को एलसीएम में लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। तो 8 और 2 10 और 1 11, और 11 बटे 16 को भाग कर दीजिए, 11 बटे 16 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, किस पे जाएगा, 16 पंजे 80, 16 छिकम 96, 6 पे 96, 4 और 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया, बचे आपके ए और सी ऑप्शन। अब फिर से देखो पॉइंट है, अब देखो 16 सत्ते 100, 16 अठा 4 8 कम 8 128, 8 दोनों में 8 8 है तो हम कट नहीं कर सकते, 2 हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जाएगा किस पे, 7 पे, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया, 112 बचा 8 और 16 पंजे 80, 6875, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेसिमल नंबर प्लस 122 एक्सप्रेस्ड इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो है किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे 122 को, तो 122 को कैसे करेंगे भाई, बस इसका जो है बाइनरी लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव के लिए 0 लेंगे, 16 और 32 96, 96 और 16 112 112 8 120 और 122, ये वाला नंबर हो जाएगा। तो ये वाला नंबर कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ए ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखो, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे जो है आपको अभी ही यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर से एग्जाम में ये आते हैं कि मल्टीप्लेक्सर को और किन किन नाम से जाना जाता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर के आपको नाम बताने हैं कि मल्टीप्लेक्सर को और हम क्या बोलते हैं और डी मल्टीप्लेक्सर को हम और क्या बोलते हैं। मैंने ये बहुत डिटेल में करवा रखा है इसी सीरीज के अंदर, इसी सीरीज में जब मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट करवाया था, तो दोनों मैंने आपको डिफरेंस में मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर का डिफरेंस करवाया था और इनके नाम भी बताए थे कि इनको क्या क्या नाम होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके क्या क्या नाम है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होती है ग्रेटर देन ऑफ आउटपुट लाइंस, यानी कि इनपुट लाइन जो है वो ज्यादा होंगी किससे, आउटपुट लाइन से, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स में यानी कि बहुत सारे इनपुट आउटपुट आपको एक मिलती है। ठीक है, और डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ठीक है, आगे देखो, मल्टीप्लेक्सर द नंबर ऑफ इनपुट लाइन डिपेंड ऑन द, नंबर ऑफ इनपुट लाइन जो है वो सिलेक्शन लाइन पर डिपेंड होती है, जैसे ये वाला आपका जो है, तो यहाँ पे जितनी सिलेक्शन लाइन है तो उसके तरीके से आपकी जो इनपुट है वो डिपेंड करेंगी। ठीक है, द सिक्वेंशियल सर्किट कंटेन, सिक्वेंशियल सर्किट क्या कंटेन करता है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो इसका आंसर है ना कहीं कहीं पे अलग अलग मिलेगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मल, हमने जो डिफरेंस देखा था कॉम्बिनेशन सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर, क्या देखा था कि कॉम्बिनेशन सर्किट में क्या होता है कि कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, यानी कि हमें जो है हमें क्या चाहिए, हमें मेमोरी चाहिए, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में हम मेमोरी स्टोर करते हैं ना, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट में स्टोरेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट्स कि कॉम्बिनेशन सर्किट में मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होता, ओनली कॉम्बिनेशन सर्किट विद क्लॉक गेट्स एंड क्लॉक पल्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है एनी ऑफ दिस, कहीं कहीं पे इसका आंसर आपको ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओनली, जो फ्लिप फ्लॉप है
वो किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप देखा होगा, अगर आपने जो है SR फ्लिप फ्लॉप बनाया है, JK फ्लिप फ्लॉप बनाया है, D फ्लिप फ्लॉप बनाया है, लैच बनाए हैं, तो सब में आपने देखा होगा तो आप NAND गेट से उसको इंप्लीमेंट करते हो या फिर NOR गेट से करते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो हम यूनिवर्सल गेट से ही उसको क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट यानी कि बना सकते हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड ऑफ BCD ये जो है ये किसके बराबर है, जो ये इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड ऑफ BCD नंबर, ये BCD नंबर है, ये किसके बराबर है। अब ये नंबर चेक कर लो, ये क्या है, यहां से बन रहा है 8 और यहां से बन रहा है 9, ये है 98। अब 98 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 98 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये तो लेंगे नहीं क्योंकि हमें 98 बनाना है। तो 64 और 32 96, ये दोनों हो जाएंगे और 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा। तो ये जो है ये भी आपका क्या बना रहा है, बाइनरी में 98 बना रहा है, और वो आपका BCD में बाया जो है 98 बना रहा है। तो 1, 1, 0, 0, 3, 0 और 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, ये दे रखा है आपको ग्रे कोड, ये दे रखा है आपको ग्रे कोड, और बताना है कि क्या जो है ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो भाई 10110, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज आ गया। अब इस नंबर का और इसका क्या करेंगे, एक्सोर करेंगे, 1 आ गया, ठीक है। सॉरी, मैंने आपको जो है बाइनरी टू ग्रे बता दिया, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे, ठीक है। तो ये तो है आपका ग्रे कोड। ग्रे कोड से अगर मुझे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है तो क्या मेथड होगा, 10110, ये आपका क्या है, ग्रे। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या मेथड है, इस 1 को एज इट इज लो, अब इन दोनों के बीच में एक्सोर करो, 1 और 0 क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सोर गेट कहता है कि भाई अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 दूंगा, सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 दूंगा, ठीक है। 1 और 0 क्या है, डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 मिल जाएगी, ये दोनों डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट 1 मिल जाएगी, सेम इनपुट है तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, डिफरेंट इनपुट है तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि अगर मुझे ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है तो जो आपकी ये वाली है इसको एज इट इज लिखोगे, ठीक है, और आगे के जितने भी हैं उन सबका जो है आपस में एडजेसेंट एलिमेंट का एक्सोर करेंगे। अगर मुझे बाइनरी टू ग्रे करना है, अगर मेरा ये बाइनरी होता 10110, अगर ये मेरा बाइनरी कोड होता, अगर मुझे इसको ग्रे में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करती, ये 1 आपका एज इट इज आ जाता। अब ये जो 1 है इसका और नेक्स्ट वाले का क्या करते, एक्सोर करते, एक्सोर किया, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 0। अब इस 0 और 1 का एक्सोर करूंगी क्या हो जाएगा, 1 और 0 का एक्सोर करेंगे तो 1 आएगा भाई, इस 1 और 0 का मैंने एक्सोर किया तो 1 आया, इस 1 का एक्सोर किया तो 0 आ जाएगा, इस 0 और इस 1 का एक्सोर करूंगी तो 1 आ जाएगा, इस 1 और 0 का करूंगी तो, इस 1 और 0 का करूंगी, डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगी, 1, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाता, ग्रे। ये अगर बाइनरी होता, ग्रे होता, तो हम जो आउटपुट आई है उसका और उसका जो है इनपुट के साथ एक्सोर करते, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक है भाई, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यही होमवर्क दिया था कि ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोक्ड RS फ्लिप फ्लॉप आउटपुट इज रिमेन सेम एज प्रीवियस आउटपुट अंटिल, कि भाई प्रीवियस की जैसे सेम रहेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है RS फ्लिप फ्लॉप है, इसमें क्या होता है, ये R है, ये S है, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे 00 दोगे, 00 दोगे तो क्या मिलेगा भाई, 01 10 और 11, ठीक है। जब हम 00 देते हैं तो क्या मिलता है भाई, 00 में हमें क्या मिलेगा, प्रीवियस यानी कि QN, ये वाली नहीं, जो QN है वो 01 पे 0, 10 पे 1, और यहाँ पे जो है आपको आउटपुट में कोई चेंज नहीं मिलता, नो चेंज,
यहाँ पे आउटपुट में आपकी कोई भी चेंज नहीं होता है, और इसलिए जो है इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो R इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, K मैप इज यूज टू, K मैप किस लिए यूज किया जाता है। K मैप आपने देखा होगा कि भाई हम जो है टू वेरिएबल का, थ्री वेरिएबल का, फोर वेरिएबल का हम के मैप बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो एक तो हम मिनिमाइज करते हैं कि नंबर ऑफ गेट को मिनिमाइज कर सके, और फैन इन ऑफ और डिजिटल सर्किट, तो आंसर हो जाएगा आपका, मतलब नंबर ऑफ गेट्स को तो मिनिमाइज करवाते हो, साथ में उसको भी आप मिनिमाइज करवाते हो। तो के मैप इज यूज सिंप्लीफाई द मिनिमाइज द नंबर ऑफ गेट ऑफ अ डिजिटल सर्किट। फैन इन ऑफ अ गेट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स कनेक्टेड टू द गेट। फैन इन क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो आपकी गेट से कनेक्टेड है विदाउट एनी डिग्रेडेशन इन द वोल्टेज लेवल। थस के मैप मिनिमाइज नंबर ऑफ गेट एज वेल एज आपका फैन इन ऑफ डिजिटल सर्किट। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैचअप करना है आपको मल्टीप्लेक्सर, ALU और रजिस्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर आपका कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी आपका कॉम्बिनेशन, रजिस्टर आपके सिक्वेंशियल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखो, विच मेमोरी यूनिट हैज लोवेस्ट एक्सेस टाइम, कौन सी मेमोरी यूनिट का जो एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है। तो एक्सेस टाइम किसका हो जाएगा, देखो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि भाई सबसे पास में आपके रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर के बाद कैशे मेमोरी आती है, कैशे के बाद मेन आएगी, फिर आपकी सेकेंडरी आती है। तो ये रजिस्टर है जो कि आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं, है ना, मतलब ये सीपीयू में अंदर रजिस्टर, फिर आपकी कैशे मेमोरी, फिर आपकी मेन, और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो सबसे कम एक्सेस टाइम आपका किसका हो जाएगा, रजिस्टर का। आगे देखो, CISC और RISC की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोलर होता है, और वो आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोलर होता है। इसके बाद देखो, 32 बिट एड्रेस बस अलाउड टू एक्सेस टू मेमोरी ऑफ कैपेसिटी, 32 बिट का है तो कितना जो है हम अलाउ करेंगे, 32 बिट है तो बाइट में कन्वर्ट कर दो, 32/8, 8 × 32, तो यानी कि 4 GB। ठीक है, पाइपलाइन इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस ड्यू टू रिड्यूस्ड मेमोरी एक्सेस टाइम, मतलब जो पाइपलाइनिंग है वो क्या इंप्रूव करती है सीपीयू परफॉर्मेंस, तो जो इंट्रोडक्शन है पैरेललिज्म का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो, सिस्टम बस इज मेड अप ऑफ, सिस्टम बस जो है वो आपके क्या क्या, सिस्टम बस की कौन कौन सी टाइप होती है। बस आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो भाई आपको जो है इधर से उधर जाना है, या आपके रिलेटिव के घर जाना है, आपको खुद के घर जाना है, तो आप किसका यूज करते हो भाई, आपके पास अगर खुद का व्हीकल नहीं है तो हम बसेस का यूज करते हैं ना, तो यानी कि एक जगह से दूसरी साइड जाने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में अगर आपको डेटा को इधर से उधर भेजना है, जैसे मेन मेमोरी इधर से उधर आपका डेटा जाए, इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के पास जा रहा है, मेमोरी से रहा है, तो उसके लिए हम बसेस का यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो तीन तरीके की बस होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस। तो सिस्टम इज अ पाथवे टू कंपोज ऑफ केबल एंड कनेक्टर्स यूज्ड टू कैरी डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड मेन मेमोरी। द बस प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन पाथ, क्या प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन पाथ, डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल मूविंग बिटवीन द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी कंट्रोल बस है, ये एड्रेस बस है, ये आपकी डेटा बस है, ये आपका पूरा सिस्टम है। आगे देखो, कैशे मेमोरी एनहेंसेस, तो कैशे मेमोरी क्या करती है, मेमोरी की कैपेसिटी, मेमोरी एक्सेस टाइम, यानी कि मैंने कहा कि एक्सेस टाइम जो है कैशे मेमोरी का क्या होगा एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी भी कम होता है, इसलिए मेमोरी एक्सेस टाइम। नेक्स्ट देखो, हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको एक्सटर्नल इंटरप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट का जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में इज इनवॉक यूज ऑफ जो है द इवेंट इमीडिएटली स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड पासेस एग्जीक्यूशन ओवर टू INT हैंडलर। ठीक है भाई, और वहां पे जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट हार्डवेयर फेलियर और समथिंग सिमिलर। ठीक है भाई, इसके बाद देखो कंपाइलर, इस कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। आगे देखो, लोडर इज, लोडर क्या होता है, लिंकर लोडर आपने देखा होगा। तो
programmer that plays program into memory and prepare them for execution. यानी कि वो प्रोग्राम जो आपका कहाँ पे है, प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी, जो प्रिपेयर कर रहा है कि भाई इसको हम लोड करवा रहे हैं ताकि हम इसको क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके. तो वही है कि प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए. ठीक है. एंड ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर जो है ऑक्यूपाई लेस स्पेस, कम स्पेस को लेता है. ऑप्टिमाइजर जो है टेक लेस टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. ऑप्टिमाइज द कोड या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका आंसर यानी कि तीनों में से कोई भी नहीं है. Optimizing compiler is a compiler that tries or minimize or maximize some attribute of executable computer program. यानी कि कोशिश करता है कि वो minimize और maximize कर सके. Common requirements are to minimize program execution time, memory footprint, storage size and power consumption. तो वो कोशिश करता है कि execution time, footprint, storage size, power consumption इनको क्या कर सके, कम कर सके. ठीक है. Garbage क्या है, गार्बेज क्या होता है, एक तरीके से हम क्या कूड़ा बोलते हैं. तो एलोकेटेड स्टोरेज विद ऑल एक्सेस पार्ट टू इट्स डिस्ट्रॉयड, यानी कि क्या कर दे उसको हम डिस्ट्रॉय कर दे. ठीक है. तो गार्बेज को हम ट्रैश, रबिस, रिफ्यूज इज अ वेस्ट मटेरियल, है ना. अब हमारे घर में भी जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं वो सारी चीजें. पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है. स्विचिंग आपने देखा होगा जो है, सर्किट स्विचिंग होती है, मैसेज स्विचिंग होती है. तो पैकेट स्विचिंग क्या फ्री होती है. ठीक है. हम इसमें रिड्यूस करवा सकते हैं. क्या रिड्यूस करवाएंगे, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. अलाउ कम्युनिकेशन चैनल टू बी शेयर, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी आपके आंसर हो जाएंगे. ठीक है. तो पैकेट स्विचिंग मेथड होता है ग्रुपिंग डेटा ट्रांसमिटेड ओवर डिजिटल नेटवर्क पैकेट्स. पैकेट्स आर मेड ऑफ हेडर, मतलब इसमें हेडर, पेलोड, ये सारी चीजें होती है. क्योंकि पैकेट्स क्या है कि कोई भी पाथ फॉलो कर लेता है. तो जो है एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको भेजते हैं. ठीक है. तो उनके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, हेडर लगा देते हैं ताकि उसको बाद में असेंबलर करना आसान हो. FDDI जो है वो आपकी क्या होती है, रिंग नेटवर्क होता है. तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस होता है. मे बी आपसे फुल फॉर्म पूछ ले. ठीक है. जो कि आपको ऑप्टिकल डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए यूज करते हैं विद फाइबर ऑप्टिक लाइंस अप टू 200 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 100 मेगा बिट पर सेकेंड. तो ये आप देख सकते हो ये आपका FDDI है और इस तरीके से यूज होता है. नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन वाया सर्किट स्विचिंग इन्वॉल्व. कम्युनिकेशन जो है मतलब जो आपका सर्किट स्विचिंग है, जैसा कि मैंने कहा था कि सर्किट स्विचिंग में जो डेटा है वो एक तरीके से मतलब आपको प्रॉपर बताएगा कि डेटा आपका गया, यानी कि क्यों, क्योंकि इसमें तीन स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप में सर्किट को एस्टेब्लिश किया जाता है, सेकेंड में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, और थर्ड में जो आपने कनेक्शन बनाया है कि भाई मैं ये मेरा डेटा, ये मेरा सेंडर है और मुझे ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ करके ये जो रिसीवर है इसके पास डेटा भेजना है. तो यहाँ पे डेटा पहले कनेक्शन बनता है, उसके बाद डेटा भेजे जाते हैं, उसके बाद इस सर्किट को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है, डिसकनेक्ट करवा देंगे. इसके बाद एक एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोवाइड की जाती है. बेस बैंड इज, बेस बैंड आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स विदाउट मॉड्यूलेशन. मतलब बेस बैंड आपके वो होते हैं डेटा सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं लेकिन बिना किसी मॉड्यूलेशन के. लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कंटेंशन इज. कंटेंशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फंक्शनल यूनिट दैट प्रोवाइडेड अ डेटा कम्युनिकेशन सर्विस अमंग स्टेशंस अटैच्ड टू अ नेटवर्क. ठीक है, मतलब कलेक्शन है किसका, इंटरकनेक्टेड फंक्शनल यूनिट का, जो प्रोवाइड कर रही है डेटा कम्युनिकेशन सर्विस अमंग स्टेशन अटैच्ड टू द नेटवर्क. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन. ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो, और ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.